नेपाल में बड़ा प्लेन हादसा, 72 लोगों ने गवाई जान। 12 साल में हो चुके हैं 8 प्लेन क्रैश। काठमांडू से पोखरा जा रहा ATR-72 विमान लैंडिंग से कुछ समय पहले क्रैश हो गया, जिसमें 5 भारतीयों समेत 72 यात्री सवार थे। प्लेन एयरपोर्ट से कुछ दूर पहले ही एक पहाड़ी से टकराकर येती नदी में जा गिरा, जिसके बाद पूरा वातावरण काले धुएं में ढक गया। नेपाल में होने वाली ये घटना कोई पहली बार नहीं है। नेपाल में प्लेन हादसे की घटना आम होती जा रही है। बता दें कि पिछले 12 साल में यहां 8 प्लेन क्रैश हो चुके हैं। आइए उन घटनाओं पर डालते हैं एक नजर। 2010 में ताराएन एयर ट्विन ओटर और अग्नि एयर फ्लाइट हुए थे हादसे के शिकार। 2010 में नेपाल में 2 विमान हादसे हुए थे। अग्नि एयर की फ्लाइट काठमांडू से उड़ान भरने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं दूसरे प्लेन हादसे में सभी 22 लोग मारे गए। 2011 में बुद्ध एयर फ्लाइट 103 हुआ था क्रैश। 25 दिसंबर 2011 को नेपाल में बुद्ध एयर का विमान क्रैश हो गया था, जिसमें सवार 10 भारतीय नागरिकों सहित 22 लोगों की मौत हो गई थी। 2012 में भी 2 प्लेन हुए थे क्रैश। सीता एयर फ्लाइट विमान ने काठमांडू से उड़ान भरी थी, लेकिन तकनीकी समस्या के कारण इसके आपातकालीन लैंडिंग कराई गई। इसी दौरान हादसा हो गया और सभी यात्रियों की मौत हो गई। उसी साल जोमसोम हवाई अड्डे पर लैंडिंग से पहले अग्नि एयर की फ्लाइट क्रैश हो गई, जिसमें पायलट समेत 15 लोगों की जान चली गई थी। 2016 में तारा एयर फ्लाइट 193 हुआ था क्रैश। ये विमान हादसा 24 फरवरी 2016 को हुआ था। पोखरा एयरपोर्ट से उड़ान भरने के 8 मिनट बाद ये विमान लापता हो गया था। बाद में इसका मलबा दाना गांव के पास पाया गया। 2018 में US बांग्ला एयरलाइंस फ्लाइट 211 हुआ था हादसे का शिकार। ये विमान ढाका से काठमांडू जा रहा था। नेपाल की त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरते समय ये दुर्घटना ग्रस्त हो गया। इस विमान में 71 लोग सवार थे, जिसमें से 51 लोगों की मौत हो गई थी। पिछले साल 29 मई को भी हुआ था बड़ा प्लेन हादसा। इस विमान हादसे में 22 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें 4 भारतीय भी शामिल थे। पोखरा से जोमसोम के लिए उड़ान भरने वाले तारा एयरलाइंस के विमान का कुछ ही देर बाद संपर्क टूट गया। फिर 6 घंटे बाद क्रैश हुए इस प्लेन का सुराग मिला था। सोचने वाली बात ये है कि नेपाल की एयरलाइंस या नेपाल हवाई अड्डों पे फ्लाइट्स का इस तरह से क्रैश होना इतना आम क्यों है, और नेपाल की एविएशन मिनिस्ट्री इस पर कब विचार विमर्श करके कोई ठोस कदम उठाएगी? क्या इतनी पुरानी फ्लाइट्स का बिना किसी रेगुलर मेंटेनेंस के उड़ान भरने के लिए परमिशन देना सही है? इस हादसे के बाद बहुत से लोगों के दिलों में नेपाल की फ्लाइट्स में सफर करने में डर बैठ सकता है।